हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और शीतला सप्तमी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मीठी पकौड़ियाँ बना ले रही हूँ, क्योंकि जो शीतला सप्तमी होती है ना, पहले दिन सारी रसोई बना के रख लेते हैं, दूसरे दिन फिर ठंडा ही खाना होता, कुछ भी नहीं बनाते हैं। तो माता का जो प्रसाद होता है मेन, वो तो मैं पहले दोपहर को ही बना ले रही हूँ। तो मीठी पकौड़ी होती है जिसमें मीठे चावल और राबड़ी होती है बाजरे के आटे की, और जो बाजरे की रोटी, ये चार चीज़ें होती है मेन। तो यहाँ पर मैं राबड़ी बना ले रही हूँ। तो राबड़ी के लिए मैंने यहाँ पर दही को फेंट के ले लिया है, जिसमें मैंने बाजरे का आटा डाल दिया है और नमक डालकर इसको अच्छे से फेंट कर और गैस पर रख कर बॉयल कर लूँगी। तो बस ये चार चीज़ मेन होती है मतलब शीतला माता को चढ़ाने के लिए, तो ये तो बनाते ही हैं, और जो अपनी इच्छा होती है खाने के लिए बना सकते हैं। तो बस ये चार चीज़ें मैं दोपहर को ही बना के रख लूँगी और बाकी जो भी है वो शाम को बनाऊँगी। तो ये तो मैंने घी निकाला था, तो घी का जो ऊपर का रह जाता है ना, खोई बोलते हैं इसको, तो ये जो रह जाता है इसमें भी बहुत ज़्यादा घी रह जाता, तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे। तो मैं तो क्या करती हूँ ना, इसको ऐसे रख लेती हूँ, जिस बर्तन में मैं घी निकालती हूँ ना, उसी में खोई को डालकर पानी डालकर इसको उबाल लेती हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी डाल ले रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसको गैस पर रख कर अच्छे से उबाल लूँगी। से चला भी लेंगे ताकि नीचे जो चिपका हुआ है वो भी उतर जाए और सारा घी जो है वो निकल जाए। तो ऐसे निकाल के अच्छे से उबल जाए, जब पानी थोड़ा कम हो जाए उबल कर, तब इसको ना साथ ही गरम गरम ही छान लेंगे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बहुत गर्म रहता है। तो मैं इसको छान कर रख लूँगी फ्रिज में, तो जो फ्रीजर में नहीं रखूँगी, सिर्फ फ्रिज में ही रखूँगी नॉर्मल, तो क्या होगा ना, घी जो है वो जम जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हो गई है शाम, चाय पी ली हूँ और आ गई हूँ किचन में। तो शीतला सप्तमी अष्टमी जो करते हैं तो उसी की तैयारी चल रही है। कल पूरा दिन रसोई नहीं बनेगा, आज जो बनेगा वही ठंडा पूरा दिन खाना है। तो मैंने माता के लिए जो होता है मेन, वो तो मैंने दोपहर को ही खाना बनाते बनाते बना लिया था। ये देखिए, ये मीठे चावल बनाए मैंने, और ये राबड़ी बनाई थी जो आप लोगों के संग शेयर की है, और ये मीठी पकौड़ी बना ली है मैंने, और इसमें मैंने चिप्स तल के रख लिया है। और अब जो है बनाऊंगी रोटियां, और आलू उबाल कर रख दूंगी बॉईल करके, और चने, मूंग और बाजरा वगैरह जो भी पूजा के लिए होते हैं वो भिगो के रखना है। तो मैं ये जो होता है ना, ये हमारे में इनमें सब जो मैंने माता के लिए प्रसाद बनाया है वो इन्हीं में भर के और शीतला मंदिर में जाके वहाँ चढ़ाया जाता है। तो मैं इनको ना आया था सुबह देने, तो मैं इन ले ली थी। तो अब इनको मैं पानी में भिगो कर रख दूँगी, ताकि ये जो सुबह प्रसाद डालेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो इनको मैं पहले पानी में भिगो देती हूँ। चलिए फिर। प्रसाद के संग संग ना बाजरे की रोटी भी चढ़ती है, तो मैं बाजरे की रोटी भी बना लूँगी माता के लिए, शीतला माता के लिए, और हम लोग के खाने के लिए भी बना लूँगी। तो मैं बाजरा की रोटी बनाऊँगी और प्लेन आटा की ही रोटी बना लूँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है, तो बस इतना ही बनाऊँगी। तो चलिए फिर, आप लोग बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बाजरा का आटा मैंने लगा लिया है। अब मैं प्लेन गेहूं का आटा लगाऊंगी, और थोड़ी सी मैं सोच रही हूं कि थेपले बना लेती हूं, तो उसका भी आटा लगा लेती हूं। तो ये देखिए, मैंने तीनों तरह के आटा लगा लिए हैं, गेहूं का प्लेन आटा, बाजरे का आटा और जो थेपले का आटा। तो तीनों ही आटा लगा रही हूँ। बहुत बड़ा टास्क है इतना सारा रोटी बनाना, तो कल के पूरे दिन के लिए बनाना, पूरे दिन यही सब खाना है, बिल्कुल भी गर्म कुछ नहीं खा सकते। तो बस चलिए मैं बना लेती हूँ रोटी। तो उसके पहले मैं बनाऊँगी पकौड़ी, तो बस सिंपल सी बेसन की नमकीन वाली पकौड़ी बनाऊँगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर बेसन और नमक, मिर्च पाउडर और जीरा, हींग, ये सब मतलब बेसिक सिंपल सी बनाऊँगी करके, इसका घोल तैयार कर लेती हूँ और बना लूँगी पकौड़ियाँ।
पकौड़ियाँ बना ली थी, उसका सूट नहीं किया था मैंने, तो अब बना ले रही हूँ पकौड़ी। तो पहले मैं माता की रोटी बना लूँगी बाजरा की, इसमें घी नहीं लगता, तो उसको अलग ही मैं टिफिन में डालकर रख दूँगी माता के लिए जो बनेगी, और बाकी सब हमारे खाने के लिए जो भी फटाफट से बना लूँगी सारी रोटियाँ। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे इतनी सारी रोटियाँ बनाने में, बट कल पूरे दिन के लिए बनाना है। कल कुछ भी गर्म नहीं बनता है, नहीं खाते हैं हम लोग। और आलू बॉयल करने के लिए रख दिया, हो भी गया आलू बॉयल, तो उसी का आलू के चाट बनाकर दही वगैरह के संग खा लेते हैं। और अचार वगैरह तो जैसे रहते ही है घर में, तो बस उसे खा लेते हैं। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ सारी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं 4 बजे उठी थी। उठ के थोड़े बहुत काम करके नहा धो के हो गई हूँ तैयार, अभी जाऊँगी शीतला माता के मंदिर। तो पहले मैं जो है तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो धो के रखे थे ना, इनका करने वाली हूँ तैयारी। और बर्तन मैंने धोए नहीं है, क्योंकि पहले मैं मंदिर जाके आ जाती हूँ, बाद में सारे काम होते रहेंगे। आज तो खाना पीना बनाना नहीं है, वैसे ही फ्री टाइम है, तो आके कर लूँगी। तो अब मैं चलिए मैं शीतला माता का तैयारी कर लेती हूँ, तो आप लोग बने रहिए आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फटाफट से तैयारी कर ले रही, जो भी मैंने प्रसाद बनाया था माता के लिए, शीतला माता के लिए, तो वही सब इस सब कुंडारों में भर लेती हूँ। और ये जो शीतला माता की पूजा है ना, तो सूरज उगने के पहले कर लिया जाए तो अच्छा होता है, इसलिए मैं जल्दी जाके मंदिर जल्दी चली जाती हूँ। हर साल की मेरी है आदत, मैं 4 बजे उठ के तैयारी वारी करके 5-5:30 बजे तक मंदिर चली जाती हूँ। तो मतलब वहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं रहती है और पूजा आसानी से अच्छे से हो जाती है पूजा। तो बस वही से मैं तैयारी कर ले रही हूँ। और ये कच्चा धागा होता है जो होलिका दहन के दिन हम होलिका दहन को दिखाते हैं, कच्चा धागा और हल्दी की गांठ, तो वही इसमें लपेटा जाता है ऐसे। तो बस वही सब तैयारी मैं कर ले रही हूँ। और ये जो होते हैं ना तारे, तो इनको आँखा बोलते हैं, तो ये भी डाला जाता है हमारे में, तो वही सब मैं डाल लूँगी। और यहाँ प्लेट में सजा लूँगी अच्छे से ले जाने के लिए, और राबड़ी और दही डालकर अलग से ले लूँगी चढ़ाने के लिए, और माता के लिए जो प्रसाद है रोटी और चावल पकौड़ी जो भी। और ये जो हल्दी की गांठ जो होलिका दहन के दिन दिखाया जाता है, इसी का यूज़ करते हैं आज पूजा करने के लिए। तो इसका भी मैं पेस्ट मतलब पेस्ट बनाकर यही यूज़ करते हैं टिक्का के लिए, तो इसी को मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे बाजरे का आटे का बनता है हमारे में, दिया बनाते हैं और मुट्ठियाँ बोलते हैं उसको, 5 मुट्ठियाँ बनाते हैं, वो भी चढ़ाया जाता है, तो बस वो भी मैं बना ले रही हूँ। और ये जो प्रसाद होता है ना फ्रेंड्स चढ़ावे का जो, तो अब की बार ना ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था कि इस तरह का जो जो भी चढ़ाने का प्रसाद का जो भी होता है, तो ऐसे पॉलीथीन में पैक करके लेके जाओ ताकि ख़राब ना हो, किसी ज़रूरतमंद को काम आ सके खाने में। तो मैं वही पॉलीथीन में ले रही हूँ। वो ऐसे क्या है ना, चढ़ाने से पानी डालते हैं कोई कुछ डालता है, तो ऐसे क्या ख़राब हो जाता है कि ना, तो किसी के काम आता है, बर्बाद जाता है खाना, तो इसीलिए ऐसे पॉलीथीन में ले जाइए। आप लोग भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा, पॉलीथीन में ले जाइए जो भी चढ़ाने का है, तो किसी भी ज़रूरतमंद को काम आ जाएगा, ये खाना वेस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मेरी थाली हो गई है तैयार। और ये इसमें घी में पानी में घी डाला जाता, तो वो मैंने डाला है, 2 कलश लेते हैं, तो दोनों कलश में मैंने पानी ले लिया है। और मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है। कुछ इस तरीके से मैं तैयारी करते हैं मंदिर जाने के लिए। कुंडारा भर इनको जो बोलते हैं ना, कुंडारा बोलते हैं हमारे में, तो मैं 9 कुंडारा भरती हूँ। और ये चने भीगे हुए और मोई बाजरे के आटे में चीनी और घी डालकर मोई बनाया जाता है, और मूंग की दाल, ये सब से पूजा होती है। फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कैसे मैंने तैयारी कर ली फटाफट से, अब बस मंदिर जाने की तैयारी है। बच्चे लोग को उठा के आई हूँ, देखती हूँ उठे हैं कि नहीं, तो बस उन लोग को उठा के नहला के तैयार होकर मंदिर चले जाएंगे। और यहाँ पे तैयारी मैंने कर ली है, जो आप लोग देखे हैं अभी कैसे मैंने तैयारी की है। तो चलिए फिर मिलते हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मंदिर, तो आप लोग देख ही सक रहे हैं एकदम मतलब खाली पड़ी है मंदिर, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5:30-6 बजे के करीब मैं मंदिर पहुँच गई थी। जहाँ होलिका दहन होता है वहीं पे मंदिर है, तो वहीं पास में ही पड़ता, तो मैं आ गई थी। और ये हमारे में सतिया छाबड़ी बनाया जाता है दोनों तरफ गेट के दरवाजे पर, तो वही सतिया बना ले रही हूँ, और एक साइड में छाबड़ी बनती है तो वो बना लेते हैं, और पूजा कर लूँगी, जो भी चढ़ाने का है चढ़ा दूँगी। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ।
अंदर की पूजा करने के बाद माता की बाहर की माता की भी पूजा की जाती है, तो बस मैं बाहर की माता की भी पूजा कर ले रही हूँ और शीतला माता की कहानी सुनी जाती है तो वो यहाँ पे बैठ के सुन लेती हूँ बाहर की माता की पूजा करने के बाद। तो बस यहाँ पे मैं जो है कहानी सुन लूँगी। किताब मैंने लाई है, 12 महीने की किताब होती है, तो उसमें सारा त्यौहार वगैरह गीत वगैरह कहानी सब लिखी हुई रहती है, तो उसी में से मैं बस शीतला माता की कहानी जो होती है वो पढ़ लूँगी और फिर चलूँगी घर। क्योंकि रास्ते का आने जाने का वीडियो नहीं बना सक रहे क्योंकि मैं और केशव भी गए थे, खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी तो रास्ता के मतलब सामान हाथ में था तो वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ये आ गई हूँ मैं घर। घर के दरवाजे पे भी छत की छाबड़ी बना कर ये एंट्री करते हैं घर में पूजा करके आने के बाद, तो बस मैं वही बना ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।